नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कोरोना जैसी महामारी में मैंने मजदूरों की बात की, उनको घर पहुंचाने की बात की, उनके पेट में भोजन डालने की निवाले की बात की, तो मुझ पे आरोप लगता है कि मैं कोरोना जैसी महामारी में राजनीति कर रहा हूं। मुझे शर्म आनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, मेरे को एक बात बताओ, कोरोना जैसी महामारी में तुम क्या कर रहे हो? दिखाऊं क्या तुम्हारी असलियत? दिखाऊं देश के सामने ये लोग कोरोना की आड़ में कर क्या रहे हैं? जरा देखिएगा, ये वीडियो देखिए, आपको फिर पता चलेगा कि ये दूसरों पे राजनीति का आरोप लगाने वाले, मजदूरों की लाशों पे खेलने वाले, इतनी सारी बसें होने के बाद भी खाली बसें वापस कर देंगे लेकिन उसमें मजदूरों को बिठा के नहीं भेज पाएंगे, और वो राजनीति करने वाले लोग कहते हैं कोरोना जैसी बीमारी में राजनीति मत करो। ये क्या है? इससे आप लोगों को बचाने के लिए ये बीजेपी से आप लोगों को मास्क दे रहा है, ये पहन के निकलना ठीक है, क्योंकि आप वायरस से आप बच जाओगे। ओके, मर जा जरा। नहीं नहीं सुनिए सुनिए, मरने का बात नहीं है, एक दिन सभी गुजर जाएगा लेकिन सुस्त तरीके से जीना है ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो नागरिकता बिल पास है, आप सुना है ना वो कानून के बारे में, तो ये है, ये हिंदी का है जो ये, लेकिन ये नागरिकता देने वाला कानून है, छीनने वाला कानून नहीं है। आपका देश से, आपकी भारत माता की गोद से आपको किसी का हिम्मत नहीं है देश से निकालने का ठीक है। तो आप निश्चिंत से रहिए और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कीजिए। आप सिर्फ ये सोच लीजिए कि अगर बांग्लादेश से आके कोई रहेगा, हम लोग उसको क्यों रहने दें? हम अगर जाएगा, हम इटली में या लंदन में, हम लोग को रहने देगा? इसके लिए ये भारत माता हमारा देश है, ये तो धर्मशाला नहीं है नहीं। तो इसके लिए अगर बाहर देश से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब देश से घुसपैठी लोग यहाँ पे आके ना बसे और आपका घर से आपको ना बाहर कर दे, इसके लिए ये कानून पास हुआ है, इसको समर्थन कीजिए। और सबसे बड़ी बात, पूरा सभा इलेक्शन में भाजपा के साथ ठीक है। ओके, वाह भाई सही है, खुद करो तो चमत्कार, दूसरे करे तो एनआरसी सीए कोरोना जैसी महामारी में उसका प्रचार जरूरी है। खुद के राज्य के, खुद के देश के मजदूर संभाले नहीं जा रहे हैं और ये चले हैं दूसरे देशों के लोगों को भारत में बसाने की। जो मजदूर आज रस्तों पे है उनको निवाला खिलाने की औकात नहीं सरकार की, और चले हैं दूसरे देशों के लोगों को लाकर भारत में बसाने की। सबसे बड़ी बेवकूफी भारतीय जनता पार्टी ने कल, और पूरे देश में मैं देख रहा हूं कि पूरे जो उत्तर भारत की सरकारें हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में, वहां के जो अंडभक्त हैं वो छाती चौड़ा करके 56 इंच फैला के कहते हैं कि हमारे योगी जी ने, हमारे नीतीश बाबू ने कोरोना पे कंट्रोल कर लिया है, महाराष्ट्र सबसे आगे है कोरोना में। तो मैं उन चमन को बताना चाहता हूं कि बेटा ऐसा है कि जब टेस्ट होते हैं, जब टेस्ट की संख्या बढ़ती है तब कोरोना का उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ना स्वाभाविक है, जब टेस्ट ही नहीं होगा तो आंकड़ा कहां से आएगा? महाराष्ट्र के टेस्ट कितने हुए हैं उसकी जरा आप आंकड़ा निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके राज्य की सरकारें आपको बेवकूफ बना रही है। जिस राज्य सरकारों की औकात टेम्परेचर नापने की नहीं है वो कोरोना से जीतेगा? कौन से, कहां से लेके आते हो इतना बड़ा बड़ा बेवकूफी, इतना बड़ा बड़ा सपना? तुम्हारे राज्यों की, उत्तर भारत के राज्यों की औकात इतनी है कि आए हुए मजदूर का टेम्परेचर चेक नहीं कर पा रहा है और आप चले हैं कोरोना से लड़ने के लिए? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मजदूर भाई खुद बोल रहा है। जरा सुनिएगा ये वीडियो में, आपको असलियत पता चलेगी कि उत्तर भारत में कोरोना का संख्या कम क्यों है। देखिए जरा इसको।